Hi guys, very very good morning. Welcome to our channel Swani with Mommy's Blog. फ्रेंड्स आप सभी कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बोलना। भगवान की कृपा से हम लोग सब ठीक ठाक हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में आज का ब्लॉग फ्रेंड्स मैं शुरू कर रही हूँ। और फ्रेंड्स कल रात को सोते सोते लेट हो गया, इसी बात करते करते घर पे सभी लोग रहे तो आपस में बात करते करते टाइम हो जाता है। ये आप सभी का घर पे ऐसे हो रहा होगा, मतलब डेली का हर रोज़ नहीं कि चलो रात हो गया खाना खाए सो लिए, ऐसे नहीं, कभी कभार ऐसे हो जाता है। कभी कभार ऐसे होने की वजह से मेरा भी कभी कभार ज़्यादा काम भी हो रह जाता है, तो बहुत सारे काम है, लेकिन ये सब चीज़ तो बाद में होते रहता है। और अभी ज़्यादा काम है साई को उठाना है, क्योंकि साई पहले से उठेगा तो फिर वो फ्रेश हो जाएगा, तो फिर मुझे तकलीफ़ नहीं लगेगा उसको रेडी करने में। और सुहानी के पापा लेट से सोए, उसको आज सोच रही हूँ उठाऊँगी नहीं, जितना पॉसिबल हो सके मैं अपना काम कर लूँ, सोने देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा वो काम करते हैं, ड्यूटी जाते हैं इधर घर का मतलब सुहानी का ज़्यादा ये करते हैं काम, उनकी एडिटिंग वगैरह सब रहता है ना, आप लोग समझ सकते हो। और फ्रेंड्स देखिए ये किचन का जो ओवन है ना, कल सुहन के पापा लाइट लगा दी अंदर का, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे स्विच ऑन करी और देखिए यहाँ पे लाइट लगा है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, बस सब अंधेरा कर देती हूँ फिर आपको अच्छे से दिखाई देगा। देखिए फ्रेंड्स लाइट जल रहा है ना, ये देखिए मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। देखिए चलो अपना घर का लाइट लगा दूँ। और कल ये बनाए, बोले पापा मेरा बना देना, लाइट लगा देना, तो सुहन के पापा बोले हाँ ठीक है मैं लगा दूँगा, टेंशन मत लो, कल लगा दिए। और बाकी क्या तो आप लोग देखते रहते हो, मैं बाद में इस जगह पे आके दिखाऊंगी, अभी टाइम नहीं है, बच्चों का स्कूल का टाइम हो जाएगा। तो चलो साई को उठाएंगे, ये सब काम रहता है सुबह का। साईलू साई जो जो आज स्कूल जाने, चलो आज पढ़ाई आपका कंप्लीट हो चुका है ना, चलो उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ बाबा। सुबह सुबह इधर आए हैं तो चलिए गैलरी थोड़ा मैं लेके जाती हूँ आप सभी को दिखाने के लिए। मुझे सुबह सुबह इन लोगों को उठाती हूँ फिर गैलरी में थोड़ा देखे तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है। चलो आप लोग दिखाती हूँ मेरा सुबह सुबह का गैलरी। फ्रेंड्स देखिए पापा रहे थे तो बड़बड़ के वो अपने आप लंबा होके जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो पोई साग लगाए थे ना वो ख़राब हो गया, क्यों हुआ पता नहीं चला लेकिन ख़राब हो गया। बहुत ही अच्छा निकल रहा था वो पोई साग, मैं खुश हो रही थी चलो पोई साग निकला है कुछ बनाऊंगी उसमें, तो क्या क्यों किस लिए ख़राब हो गया कुछ पता नहीं चला, अपने आप वो प्लांट ना पौधा निकल जा रहा था तो क्यों ऐसे हुआ। और यहाँ पे ना ये गैलरी में मैं और जो उधर का जो प्लांट था फूल का यहाँ पे लेके आई हूँ मैं आप लोग दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स इग्नोर करिएगा, ये सब कपड़ा मैं सुखाती हूँ ना और जगह भी नहीं है, ये गैलरी एक है मेरा सुखाने की जगह। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फूल कितना अच्छा लग रहा है, येलो एंड रेड, कितना बहुत ही अच्छा लग रहा है सुबह सुबह ये चीज़ देखने के लिए। आज ना फ्रेंड्स सोच रही हूँ मैं क्या बनाऊँ, इन लोग तो मुझे पता है मैगी खा के जाएंगे, टिफिन सुहाए के लिए रोटी बनाना तो है कंपलसरी, वो लग के जाएगा। और मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, आलू फ्राई बना दूँ, सोच रही हूँ आलू फ्राई कुछ बना देती हूँ फिर उसका हो जाएगा टिफिन। चलो और एक बार उठाएंगे नहीं तो महाराज जी कोई भी उठेंगे नहीं, बेटा उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, हाथ में फिर मोबाइल दो फिर उठेंगे बच्चे, खास करके साई मोबाइल दो, मतलब मैं नहीं देती सुबह सुबह मोबाइल, लेकिन देखने वो टीवी नहीं देख रहा है और मोबाइल देख ले तो फिर उठ जाता है, थोड़ा 10 मिनट देख लेता है फिर उसको नहलाने के लिए लेके जाता हूँ, नहलाने के लिए लेके जाती हूँ, फिर जल्दी आने के बाद उसको तैयार करती हूँ। तो चलो अभी बात नहीं करेंगे, आज सुबह सुबह बहुत काम है। चलिए साइलू साइलू अरे बाबा मोबाइल ले थोड़ा देख ले, बाद में नहीं देख पाओगे देख ले, टाइम हो गया मैडम आज बोलेंगे नहीं आए तो फिर वो गुस्सा करेंगे मालूम, ले कल एक दिन छुट्टी था आज क्यों नहीं आए, चल 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 चलो चलो। तो मैगी के लिए यहाँ पे प्याज टमाटर मिर्ची हल्दी सब डाल चुकी हूँ, अभी पानी देके उसको कुक करूँगी, अभी देखेंगे साई उठाए या क्या नहीं उठाए, महाराज जी को बार बार उठाए तो वो उठेंगे ना, अभी चेक करेंगे उठा या नहीं उठा। फ्रेंड्स वो तो कुक होते रहेगा, चलिए साई महाराज उठाए कि नहीं देखेंगे। चलो 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 उठ गए साई महाराज, गुड बॉय गुड बॉय, साई गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड बॉय
गुड बाय नहीं बोल रही, मॉर्निंग बोल रही। अभी तो ब्लॉग शुरू करी, अभी कैसे बाय बाय करूँ। सोनी सोनी उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। वहाँ पे तो फ्रेंड्स कुक करने के लिए रखी हूँ, मैगी हो जाएगा और स्वाई को दे दूँगा खाने के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स पिंक रूम हालत, धीरे धीरे होगा रिकवर ये घर रूम का। और देखिए यहाँ पे बच्चे अपना यूनिफॉर्म आके टांग के रखे हैं, अभी वन बाई वन सबका अलग से रखूँगी। और हमारे गड्डू डुग्गू को देखिए, ये बाबरे डुग्गू गुस्सा है, मुझे कहाँ फेंक दिए थे और फिर से सुबह सुबह कल रात को निकले मेरे गुड्डू के साथ बात करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। ये लोग सब जानने के बाद अभी इसके साथ बात करेंगे, नहीं हुआ बेटा अब बैठो, हाँ ठीक है, मुँह उस तरफ करके आराम से गुस्सा करके बैठो, बाद में आपको समझाने के लिए आऊँगी, ठीक है। चले फ्रेंड्स सबका यूनिफॉर्म वन बाई वन लेके जाएंगे, साई का और सुहानी का मैं डेली क्लीन करती हूँ यूनिफॉर्म स्कूल से आने के बाद। चलो वन बाई वन, मेरा तो सुबह सुबह का ड्यूटी है, शायद सब मम्मी का ऐसा ड्यूटी होगा, मेरे थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है क्या, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बोलना। और देखिए साई बैग तैयार कर दिए नहीं गे, चलो फटाफट क्या क्या है इसका, मैथ EBS बैग में डालना पड़ेगा सब चीज़। चलो फ्रेंड्स बैग रेडी हो गया, स्कूल चले हम, मुझे लग रहा है कि स्कूल चले हम। सुबह सुबह मैं ही वीडियो कर रही हूँ, मैं ही खुद ही सब काम करना पड़ रहा है। और आप लोग देखिए मेरे सुबह का डेली रूटीन, सुहानी का डेली रूटीन भी है, मेरा भी डेली रूटीन है, ये डेली का रहता है और आप सभी के पास ये अपडेट जाता है हम लोग डेली क्या करते हैं। और मेरे मैगी भी रेडी हो चुका है, अभी चलिए साई को दे देंगे। साई ए साई साई आपका मैगी मैगी उठ जाओ उठ जाओ, इधर इधर बैठ के खाओ, चलो यहाँ पे रखी हूँ बैठ के खा लो, चलो 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 टाइम नहीं है, टाइम हो चुका है, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ आपका, चलो 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 आपको टाइम लगेगा, कंगी करो ये करो वो करो सब टाइम है, जल्दी जल्दी। सुबह सुबह मेरा मुंह से क्या निकलता है क्या नहीं पता नहीं चलता, देखिए ना उसको बोल रहा हूँ टाइम हो रहा है निकलना है, जल्दी जल्दी तैयार हो फ्रेंड। सुबह जैसे मन हो रहा है कि और थोड़ा सो जाओ और थोड़ा सो जाओ। और फ्रेंड्स मम्मी को ना सुबह सुबह बोलती, ये बच्चे जाने के बाद मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी मम्मी कितना काम करी कितना, फिर मम्मी का देखे बच्चे होने का पता चला कितना काम होता है सुबह सुबह उसका, मैं दुख क्या सुनाऊँ आधा मुझे सुनने पड़ रहा है, इसलिए मम्मी को बोलती नहीं। फिर बाद में कभी कभार थोड़ा काम वगैरह थक गए तो मम्मी कितना काम करती हूँ मालूम थक जा रही हूँ, देखे पता चला तीन तीन बच्चे को संभाल के मैं कितना काम करती, तेरी दादी भी थी सोचो मैं कितना काम करती थी, अब फिर से क्या बोलूँ इसलिए बोलती नहीं, 20 दिन में एक बार बोलती हूँ। जैसे लगता है ना इतना काम हेडक जब रह जाता है ना लगता है कि चश्मा पहनो आँख बंद करो आराम से बिंदास से तकिया डालो ब्लैंकेट डालो बिंदास मस्ती से सो जाओ, लेकिन याद आ जाते काम काम करना है काम करना है, सुबह सुबह हम सोए तो काम नहीं होता इसलिए हमारी वजह से काम होता है। चलो अभी बात नहीं करेंगे, फटाफट उस साई टिफिन भी लेके जाएगा तो उसके लिए रोटी तो बना है, आलू फ्राई बना दूंगी सॉस वॉस डाल के रोल बना रोल कर दूंगी वो खा लेता। चलो अभी देख रहे उतरा रहने दो, खा लो जल्दी जल्दी। यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो चुका है, यहाँ पे सरसों का तेल डाल चुकी हूँ तो तेल भी गर्म हो चुका है, अभी डालूंगी पंचफूटन के बाद डालूंगी अच्छे से, पंचफूटन जब फ्राई हो जाएगा तब मैं डालूंगी प्याज। स्वाद अनुसार नमक, प्याज को सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। अभी देखिए आलू चुन चुन करके काटी हूँ वो भी अभी डाल दूंगी, इसके ऊपर अभी डालूंगी मिर्ची पाउडर हल्दी
थोड़ा पानी ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा हाथ से मैं डाल रही हूँ फ्रेंड्स, हाथ मेरा क्लीन है। तो इसको रख देंगे, फिर एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। ये वाला आलू भजा ना फ्रेंड्स, मुझे जो समोसा हमारे उड़ीसा में जो बनाते हैं ना, उसका जो अंदर का मसाला रहता नहीं, ये सब वाला रहता है और टेस्टी भी लगता है, मुझे वही वाला फ्लेवर आता है। ऐसे वाला आलू फ्राई करे तो रोटी के साथ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ फ्रेंड्स, और एक चीज़ भूल गई, लहसुन डालना है। अभी चलो 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 फटाफट लहसुन छोटा छोटा कट करके डाल देंगे फ्रेंड्स। इसमें अभी डाल दूँगी लहसुन, एक चीज़ भूली नहीं, दो चीज़ भूल गई थी, अभी डाल दूँगी लहसुन आलू के साथ, वो मिक्स होकर फ्राई हो जाएगा, अच्छा टेस्ट लगेगा। और गरम मसाला तो उसका टेस्ट और दोगुना बढ़ जाएगा। जहाँ पे फ्रेंड्स पंचफुटन डाल देना, वो टेस्ट तो दुगना बढ़ जाता है। चलो चलो अभी टाइम हो गया नहाने, पापा ऐसे तैयार नहीं करेंगे, मैं कर रहूँगी। चलो मालूम है ना, अभी टाइम हो जाता, जल्दी जल्दी फटाफट जितना खाए खाए हो, अब तब से पकड़ के इतना हो, मोबाइल देखते से कुछ काम जल्दी नहीं होगा मालूम। चलो जल्दी जल्दी लगाना हो गया। चलो कोंगी कर दो, कोंगी कर दो, उठ जा उठ जा बेटा, सब अपना अपना देख रहे हैं। मैं चढ़ जाऊंगी और लुट जाऊंगी। हाँ चलो चलो, जाते टाइम रोना नहीं, मैं रेडी कर दिया ना। चलो चलो, मुंह गंदा हो जाएगा। चलो अब जाओ, बैग पकड़ो, चल चल चलो, गाड़ी आ गई सही। चलो चल 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 चलो, मास्क मास्क नहीं यहाँ पे, मास्क। चलो 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 चलो, मेरा गुड बॉय, चलो तार बैग सीट अच्छी ना ने मारी हो निकल। चलो ये मारी हो, पापा तो पापा को ड्यूटी जाऊ, नहीं नहीं पापा ने लेनी नहीं। हाँ तो जीप जीप, तुम जाओ ना रे आगे तरफ। अरे साई बाय, सुति बाय, ए सुति ताको डरे बोलू टी देखु दबु डरे उन ता चुट्टी टा को एमिति रही छे साई रो। सुबह सुबह फ्रेंड्स सब काम अच्छे से हो गया, लेकिन मेरा मन भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज साई रोके गया, इसलिए मुझे पता नहीं चला क्यों रोके गए। लेकिन गड़बड़ी ध्यान वाला भी आ चुका था, पिछले गड़बड़ी में उसको नीचे भेजती हूँ सोनी के पापा के साथ। फिर मेरे बच्चे नीचे जाकर रोया, बोला कि मैं नेल नहीं कट किया हूँ, नेल कल रात को कट करने वाली थी, लेकिन सोमवार नहीं कर सकती हूँ, मंगलवार को संक्रांत रहता है हमारा, वो भी कट नहीं कर सकते। उसको बोले थे कि सुबह सुबह मैं कर दूँगी, लेकिन सुबह सुबह नहीं हो रहा है ना फ्रेंड्स, पॉसिबल इतना गड़बड़ी में ये काम वो काम इतना मैं हो जाती हूँ ना, पूरा बिजी एंगेज भूल जाती हूँ। और सुहानी के पापा दूध लेके आ गए, दूध चाय आपके लिए। सो फ्रेंड्स, आज का ब्रेकफास्ट हमारा ये है, देखिए रोटी, पत्ता गोभी भाजी, आलू भाजी और चने की सब्जी। तो ये वाला चने की सब्जी और पत्ता की भाजी कल रात को बनाई थी, तो फ्रिज में रख दी थी, अभी गर्म करके हम लोग खाएंगे। चलो अभी सोनी के पापा टीवी देख रहे हैं, मैं भी थोड़ा न्यूज़ देखूंगी, तो सोनी पापा को दूंगी खाना ब्रेकफास्ट करने के लिए, और मैं भी थोड़ा खा लेती हूँ, चाय बनाऊंगी। सोनी के पापा थैंक यू। मामा
क्या चल रहा है? अरे ये सब चूड़ी है ना, सोच रही सुहानी बार बार बोल रही है ना मम्मी थोड़ा चेंज करके पहनो पहनो, फिर सोच रही हूँ चेंज करूँ, फिर सोच रही हूँ नहीं नहीं इतनी सारी चूड़ी अभी अच्छा दिख रहा है रहने दूँ, ऐसे आगे पीछे हो रही। और फ्रेंड्स और एक बात देखिए चूड़ी, वाह इतनी सारी चूड़ी, चूड़ी का पागल हूँ मैं। और पागल नहीं बोलते, चूड़ी के दीवानी 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 फ्रेंड्स, सच में मैं चूड़ी की दीवानी हूँ, लेकिन ये पहनती नहीं, ऐसे रखती हूँ पूजा करके, जब से शादी करके आई हूँ ना तब से मैं चूड़ियाँ रखती हूँ। आप लोग देखोगे तो आप लोग सोचोगे इतने सारे चूड़ी, आप कमेंट करके बताओगे तो मैं एक बार दिखाऊंगी चूड़ी। और एक हाँ, आपका चूड़ी तो आपका तो बहुत सारे बहुत सारे, क्यों ना आपका कलेक्शन वीडियो नहीं बना देते? जरूर लेके आऊंगी, पहले फ्रेंड्स लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग बताओ, आप लोग देखना चाहोगे तो जरूर मैं आप लोगों को चूड़ी का कलेक्शन लेके आऊंगी। और फ्रेंड्स और एक चीज, एक बात बोलूँ, शायद आपको भी हुआ होगा इससे, मेरी मम्मी ना जब शादी से पहले मेरी मम्मी ऐसे पकड़ने के लिए चली जाती थी बाहर किधर चली जाती थी, मैं ना मम्मी का चूड़ी क्या करती थी इतना भर के पहन लेती थी, फिर मिरर के पास ऐसे दिखती थी, वाह कितना अच्छी दिख रही है, इतना अच्छी दिख रही है, ऐसे होती थी, साड़ी भी वैसे पहनती थी, फिर मम्मी आई तो पूरा गुस्सा हाँ रखती होती थी, फिर तब की बात अभी सोच रही हूँ, अरे उस टाइम चूड़ी पहनने के लिए इतना शौक था, अभी चूड़ी का चूड़ी चूड़ी है, अभी पहनने के लिए उम्र है लेकिन चूड़ी नहीं पहन पा रही हूँ। आपका क्या चल रहा है? हेलो, आज कौन आने वाला है हमारे होटल में? मिया, ओके उसे बुलाओ। होटल में मिया आ रहा है? कौन? हुज मिया? शीज मिया। हेलो, माय नेम इज मिया, नाइस टू मीट यू मिया। सो यस, व्हाट इज द फीस ऑफ दिस होटल? ऑलराइट, 15,000 फॉर वन डे। ऑलराइट, आई विल बी देयर। Thanks for the 15,000. You can now go in the room. Bye bye. अरे आपको इतना बड़ा किचन छोड़ के यहाँ उधर खेल रहे हैं? बनाऊंगी मैं खाना। अच्छा ठीक है खेलो। ये देखो मेरे पास पिस्ता है। अरे बाप रे। मामा आप तो वो घर में थे ना, इधर कैसे जल्दी आ गए? लेडीज लोग को समझ नहीं पाए, लेडीज लोग एक जगह बैठते नहीं, जैसे भागा भागी काम करते बोल के आप लोग हम लोग मैनेज करते हैं। हेलो क्या कर रहे हो? प्याज काट रही हूँ, क्या करूँ, आप लोगों ने खाना पकाते पकाते लगता है कि बुढ़ी हो जाओगी। आज क्या बनाने वाले हो? आपका फरमाइश का चीज बुढ़ी कोई कोई बोल सकता है? क्यों नहीं बोल सकता, मैं क्यों अलग हूँ दुनिया से? खाना बनाते बनाते बुढ़ी बनोगे ना, जो बनोगे बनोगे बुढ़ी, अभी थोड़ी बुढ़ी हो। प्याज लेके आई मैं से कट कट करके बनाऊंगी तुम्हारे लिए। अच्छा ये वाला जो खिड़की दिख रहा है ना, इसको आप डार्क नहीं कर सकते क्या पूरा? अभी इसको स्क्रीन डाली। इसको स्क्रीन लगाने से ना आपका चेहरा बड़ा निखरेगा। नहीं निखरा तो क्या लाइट आपका पीछे रह रहा है ना, तो ठीक से सूट नहीं हो पा रहा। अब इधर ही रहो, इधर भी मत जाइयो, जाइयो इधर ही रहियो, मतलब पता है ना क्या करियो? आप लोग फरमाइश है ना प्रण करी बनाने। ओहो आज प्रण कर रहे हैं? हाँ तो आप मतलब बोले थे ना मुझे बना के दो, आज एक स्पेशल प्रॉन मसाला करी बनाऊंगी जो कि हमारे फ्रेंड्स लोगों को डेली शेयर करती रहती हूँ रेसिपी, तो आज भी बना रही तो रेसिपी शेयर करूंगी, इसलिए प्याज कट करके रखी हूँ। ठीक है, अभी एक टमाटर काटूंगी, टमाटर को भी कट करके रख दूंगी। ठीक है, अभी हमारा भगोना भी गर्म हो चुका है और यहाँ पे सोप आज ज्यादा यूज होगा, यहाँ पे ज्यादा मतलब फ्राई करते टाइम ये करते रहे, तो सरसों के तेल में ही बनाऊंगी क्योंकि नॉनवेज में सरसों का तेल ही टेस्टी आता है। तो अभी हम ऑयल डाल देंगे। हेलो सब चिंगुड़ी कर देना, टिकट रखी दी तुम, अच्छा तो तुम अच्छा है, रखी देना कोई भी तुम इच्छा से मुंह को करी जरा नहीं खाई मुझे नहीं चाहिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मिली हूँ अदरक लहसुन
ऑलरेडी मैं अदरक को धो के रखी थी इसलिए छिलका ऐसा पीसूंगी। तो इसमें यूज करूंगी धनिया, जीरा, अभी काली मिर्च, और इसमें डालूंगी सौंफ। सौंफ का क्वांटिटी थोड़ा कम रहेगा, जीरा धनिया का क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये सब चीज़ को पीसना है तो पानी के साथ पीस लूंगी। थोड़ा टमाटर के साथ भी थोड़ा पीस लेंगे, थोड़ा टमाटर इसमें दे देंगे और उसमें से थोड़ा प्याज मिक्स कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमारा पैन गर्म हो चुका है, पहले इसका काम स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम लोग डालेंगे थोड़ा सौंफ, ठीक है। सौंफ डाल दिए और अभी प्याज डाल देंगे और यहाँ पे दो कड़ी पत्ता ऐसे डाल दूंगी और उसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। काटो स्वाद अनुसार नमक अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अभी प्याज यहाँ पे पक रहा है तो अभी अभी इसका पेस्ट बना देंगे, ठीक है। देखिए हमारा पेस्ट हो चुका है और यहाँ पे मैं प्रॉन को भी प्याज के साथ डाल दूंगी। मैं पहले से धो के यहाँ पे प्रॉन को रखी हूँ साफ करके, तो ये पूरा एक साथ उसमें डाल दूंगी। तो इसके ऊपर अभी थोड़ा हल्दी डाल दूंगी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा प्रॉन को फ्राई होने देंगे प्याज के साथ। अभी हमारा प्रॉन अच्छे से फ्राई हो चुका है, अभी मिर्ची पाउडर डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसमें जो मसाला पीस के रखे हैं अभी वो डाल देंगे। हनी बाबा आपको अच्छा स्मेल आ रहा है? नहीं आ रहा ना आपको? अभी इसके ऊपर टमाटर डाल के कुक करने के लिए छोड़ देंगे। अभी इसका तो ढक्कन नहीं मिल रहा है, अभी ये ढक्कन में इसका काम चलना पड़ेगा, इस ढक्कन को। तो उसको गैस फ्लेम को लो फ्लेम में रखेंगे और उसको टमाटर को कुक करने के लिए छोड़ेंगे। फिर बाद में लास्ट में और एक चीज़ डालना है, वो आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ। सोनी बेटा आप खेल रहे थे उधर, क्या हो गया? खेल बंद कर दिए, बोर हो गए? देखते मामा क्या, मामा का खाना कहाँ तक गया? मामा का खाना गया है, लास्ट को ये डालूंगी। मामा खाना कहाँ तक गया? भूख लग रहा है, टाइम भी हो गया खाने खाने का। अभी ना एक टेंशन लग रहा है। क्या? साई जो रोके गया ना बेचारा, अभी आने के बाद थोड़ा मेरा बच्चा खुश हो जाएगा ना, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। नहीं तो बोलेगा मेरे नेल कटने की है, मेरे हेयर कटने की। आप कैसे कैसे माँ हो आप? माँ के ऊपर सवाल नहीं करना, माँ कितना काम करते देख देख के भी भूल जाए। मुझे थोड़ा अगर याद दिला देना कि इसका इसका नाखून काटना है तो मैं नाखून काट लेता था। आप तो सोए थे, ड्यूटी से लेट थे, उठे तो बोलना चाहिए था ना। इसीलिए आपको सोच के मतलब जानने दो, सोए सोने दो, ऐसे सोचे तो कैसी माँ हो आप? थोड़ा सा याद दिलाना चाहिए था ना मुझे कि इसका उसका नाखून काटना है। अभी अभी मुझे याद आ गया कि आपको ऐसे ही उठाना है, नाइट ड्यूटी करके आओ, कुछ भी करो। अभी मुझे बोल रहे हो पहले से, अरे सुबह सुबह कितना काम रहता है, भागा दौड़ी ये वो भूल जाती हूँ ना। थोड़ा दो मिनट पहले भी अगर मुझे बोल देते ना तो अच्छे से कुक हो चुका है। अच्छा खाना बन गया? बन गया अभी अच्छे से कुक हो गया है। लेकिन अभी एक चीज डालना है। क्या डालना है? क्योंकि दाल तो ऑलरेडी बनाई हूँ ना आपको, दाल के साथ हो गया तो थोड़ा सूखा सूखा चाहिए, ज्यादा पानी नहीं चाहिए। नहीं नहीं ज्यादा जूस नहीं चाहिए। तो अभी क्या करेंगे, थोड़ा पानी दे देंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि जूसी जूसी टाइप का रहे तो अच्छा लगेगा ना। थोड़ा दे देंगे, थोड़ा चलेगा, ज्यादा नहीं दे रही ना, थोड़ा दे रही हूँ। अभी लास्ट को क्या डालूंगी, वो डालना है लास्ट तो आखिर में क्या डालूं, गरम मसाला। अच्छा ये बहुत बड़ा सरप्राइज है क्या? मैं आप तो सरप्राइज के जैसे देख रहे थे ना, क्या डालूंगी अभी तो और ही अच्छा लगेगा। सोप की वजह से वो स्मेल अच्छा रहे और मसाला जो पीसते थे, और इसको अभी हमारा हो गया है खाली थोड़ा 1 मिनट के लिए कुक करेंगे, बस हो गया हमारा प्रॉन मसाला करी। ओके फिर आपका अपना काम करो, मैं तरह जा रहा हूँ, मैं मुझे तरह काम है। हाँ ओके आ रहा फिर मामा, कब आप खाना लगाने का बात मुझे बोला हो। हाँ मामा मामा सुनो, गरम मसाला ही ना बस, खाना लगाने के बाद आप बुलाओ, गुस्से मत करो मेरे ऊपर। ओके
कौन चिल्ला रहा है, कौन चिल्ला रहा उधर? अब क्यों चिल्ला रहे हो? फैन चलाना है तो बोलो ना, रो के बोलने से क्या क्या फायदा है? बोलना पापा फैन चालू करो, प्यार से बोलना। आया देखेंगे, एक एडिटिंग चल रहा है फ्रेंड सुहानी का, एक अनबॉक्सिंग वीडियो है। बोलिए सुहानी के मामा क्या हुआ? आप जो अंगूठी लाए थे मैं पहनी आज, कैसे दिख रही? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है। आप कितने सुंदर हैं, आप क्या करो? क्या करूँ कितने सुंदर हैं, क्या करूँ? बोलो क्या बोलूँ, खाने को बनेगा, खाना हो चुका है आपका, बच्चा लगाओ ना भाई, आने टाइम हो चुका है, बच्चा आने के बाद खाओगे ना भी खा लोगे? सही आने के बाद खाएंगे क्या? नहीं मैं वैसे नहीं बोल रहा, आपको पूछ रही हूँ। खाना लगा दो उसको, लाने के लिए जाओ, क्या करो ठीक से क्लियर करके बोलो। लगा लगा खाना, लगा लगा तो आ जाएगा। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, रुको बच्चे को बिना, अरे उसको आने दो ना, टाइम हो गया उसका, सही को सही आने के बाद खाएंगे सब लोग मिलकर खाएंगे। मैं बोल दिया बोल के आप ही खाना लगा रहे जा रहे थे। हाँ गुस्सा क्यों? अभी साई का आवाज आ रहा है, आ गया सर। साई साई ये उसके क्या था, उसका किचन पूरा चलाया था मालूम, ऐसे प्रो दिखाने की जरूरत नहीं, ऐसे आए कि उसका किचन चलाया था, रहा स्टाइल चलाया था, पता है इतने जोर से ये ऐसे करके आया पूरा दीवार को, जैसे हिला के आते ना वैसे हिला दिया। अरे आप रोके गए थे क्या, कोई मैडम कुछ बोले हेयर के बारे में, नेल के बारे में? नहीं आज क्या करूं, तेल लगाओ ऊपर, तेल क्यों नहीं लगाया, बाहर भी कट करना है और ये भी नेल भी कट करना है। हाँ। लेकिन गुस्सा नहीं किए? वो मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने टीचर से प्रॉमिस किया, नहीं लेकिन आज के बाद जरा मैं तेल लगाऊंगा। मैं आज तो तेल लगाई थी आपका, वो बाल है इतना, और टीचर मना, और ठीक है जी वो अभी ऐसे करे ऐसे, हो आप गुस्सा, ये वाह अभी बोलो पहले आज गुस्सा किए ना नहीं, समझाए खाली तो? हाँ, ठीक है उसको खाना खिला दो और चलो चलो उसका ड्रेस चेंज कर दो, खाना खा लेंगे अभी, अभी कर लोगे? ठीक है आप नेल कट करो, मैं खाना यहाँ पे परोस रही हूँ, सुहानी को भी भूख लग रहा है, कब से वो आ चुके हैं स्कूल से। लो लो नेल कटर, नेल नेल वाले नेल कटर, बाल कटेंगे ना उसके बाद लगाओ। और फ्रेंड्स चलिए आप लोगों को दिखाऊंगी आज का लंच में क्या क्या बनाई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें है दाल, और ये मेरे लिए आलू बैंगन सब डाल के सब्जी मेरे लिए थोड़ा बनाई हूँ, और इसमें आप दिखाई ना प्रन मसाला करी, देखिए कितना अच्छा बना है, और ये इसमें राइस। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग खाना खाएंगे और यहाँ पे मैं ब्लॉग एंड करती हूँ, और साई भी थका है अभी, उसको भी भूख, उसको भी खिलाना पड़ेगा, और सुहानी कब से बोल रही मम्मी भूख लग रहा है, भूख लग रहा है, फिर साई के लिए वो भी रास्ता देख रही थी, तो अभी साई भी आ चुका है, और आप लोगों को दिखाई आज लंच में ये सब बना है। और फ्रेंड्स आप न्यू होंगे तो हमारे चैनल को विजिट करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए आगे के वीडियो हमारे, ऐसे छोटे मोटे हमारे जो फैमिली हम चारों के हमारे फैमिली के चार मेंबर का ऐसे छोटे छोटे जो भी हमारे घर पे मजाक मस्ती और रेसिपी और ब्लॉग आप लोगों को हमारे चैनल में देखने को मिलेगा। तो टिल देन बाय बाय, देखिए साई का ड्रेस तो नहीं दिखाऊंगी और आगे का नहीं दिखाऊंगी, तो टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय। अरे उधर से तो बाय बाय करो, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहे, और सुहानी उधर से बाय बाय करो, खाना आओ खाना खाने, बाय बाय ऑल ऑफ यू।